हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लासेस आज की वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स 2022 तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स है उनसे रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तो फ्रेंड्स ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इस वीडियो का जो पीडिय है वो आप लोगों को वेबसाइट से मिल जाएगा रविदिति क्लासेस डॉट कॉम से तो चलिए इस इम्पोर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली तो पूछा गया है फ्रेंड्स कि इटली की जो पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं उनका क्या नाम है राइट आंसर इज जॉर्जिया मिलोनी ये इटली देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है अब अगर इटली की बात करती हैं तो इटली जो आ, कंट्री है ये आपका है यूरोप कॉन्टिनेंट में कैपिटल है रोम करेंसी है यहाँ की यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है सरजियो मतरीला नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन तो भारतीय मूल के जो पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनी हैं उनका नाम है ऋषि सुनक वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे से ध्यान रखिएगा अच्छा अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की या कह लीजिए यूनाइटेड किंगडम तो ब्रिटेन तीनों एक ही नाम है इसके तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में है यूरोप में कैपिटल है लंदन करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और जो एम्प्रर यानी यहाँ के जो सम्राट है उनका नाम है किंग चार्ल्स थर्ड हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन स्वीडन देश के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं आंसर इज उल्फ क्रिस्टसन ये स्वीडन के जो है नए प्रधानमंत्री बनी है स्वीडन की बात करते हैं फ्रेंड्स तो स्वीडन जो है ये भी आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में कॉन्टिनें कंट्री कैपिटल स्टोक होम और करेंसी है यहाँ की स्वीडिश क्रोना नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है फ्रेंड्स मोहम्मद तैयब इकराम ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं एफ आई एच की बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तो इसकी हुई स्टेब्लाइशमेंट सेनवरी नाइनटीन ट्वेंटी फोर क्वार्टर है इसका लोसन स्विट्जरलैंड में और सीई ओ का नाम है थियरे विल हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल इसराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं आंसर इज बेंजामिन नतन्याहू इसराइल की बात करें फ्रेंड्स तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में है कैपिटल है इसकी जेरूसलेम करेंसी है इसराइली शेकेल और प्रेजिडेंट है यहाँ के इजाक हरजोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम पेरूज फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट तो पेरो की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है आंसर है दीना बोलुआर्टी पेरू की बात करें फ्रेंड्स तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है कंट्री कैपिटल है इसकी लिमा करेंसी है पेरू सोल और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेटसी चावेज नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ इराक इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं आंसर इज अब्दुल लतीफ़ राशिद ये इराक के नए प्रेजिडेंट बने हैं इराक़ जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है कंट्री कैपिटल है बगदाद और करेंसी है इराकी दिनार तो जितने भी फ्रेंड्स ये अपॉइंटमेंट हुए हैं ना किसी भी कंट्रीज़ में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया आंसर इज एंथनी अल्बनीस तो एंथनी अल्बनीस फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और करेंसी है डॉलर ज बिकम द न्यू एम्प्रर ऑफ ब्रिटेन आंसर इज चार्ल्स थर्ड तो चार्ल्स थर्ड जो है ये एम्पर ये ब्रिटेन के जो है वो नए सम्राट बने हैं हुज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो बात हो रही है एस सी ओ की एस सी ओ के जो नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं उनका नाम है जांग मिंग अब एस सी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई 2001 में हेड क्वार्टर इसका है बीजिंग चाइना में आठ इसकी मेंबर कंट्रीज हैं इंडिया पाकिस्तान चाइना रशिया कजाकिस्तान ईरान उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान तो एस सी यू के मेम्बर्स अगर पूछे जाएँ तो कितने हैं टोटल इस टाइम पे एट हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन राइट आंसर इज टेड्रोस अधनोम गैब्रियस तो ये डब्ल्यू एच ओ के जो हैं फिर से डायरेक्टर जनरल बने हैं डब्लू एच ओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके इस्टेब्लाइशमेंट सेवेंथ अप्रैल नाइनटीन फोर्टी एट को हुई हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ़ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन आंसर इस वोल्कर टर्क जो कि ऑस्ट्रिया से हैं ये ह्यूमन जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन है इसके नए प्रमुख बने हैं बात करें यूनाइटेड नेशंस की तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई हेड इसका न्यूयॉर्क में है मेंबर कंट्रीज़ में 193 प्लस दो ऑब्जर्वर हैं फलस्तीन और वेटिकन सिटी और प्रेसिडेंट का नाम है एंटोनियो गुटेरस हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं अनवर इब्राहिम मलेशिया की बात करते हैं एशिया में लोकेटेड है कंट्री कैपिटल है कुआलालंपुर और मलेशियन रिंगिट है यहाँ की करेंसी नेक्स्ट है हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो आई के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं राइट आंसर इज ग्रेग बार्कले ये कंट्री इनकी ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई और हेडक्वार्टर है इसका दुबई यूएई में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो आई के जो नए महानिदेशक बनी हैं उनका नाम है गिल्फर्ट एफ वांगबो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई हेडक्वार्टर्स का जेनेवा में है और डायरेक्टर जनरल का नाम है गिल्फर्ट एफ होंग हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस तो फ्रेंड्स बात करते हैं फ्रांस की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है आंसर इज एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यहाँ की यूरो अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू अम्बेसिडर ऑफ इंडिया टू जापान यानी जापान में जो भारत के नए अम्बेसडर बने हैं उनका नाम है सीबी जॉर्ज हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंडियन मोनिट्री फंड आई एम एफ में के जो नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं उनका नाम है पियरे ओलिवियर गोरेंशियस बात करें फ्रेंड्स आई एम एफ़ की तो इसकी स्थापना ट्वेंटी सेवन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी फाइव को हुई हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में और मेम्बर कंट्रीज है वन नाइनटी प्रेजिडेंट है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जी हुज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बात हो रही है देखिए यहाँ पे यहाँ पे फ्रेंड्स इनका नाम जरूर आएगा ये नाम मिस हो गया है अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह ठीक है तो फ्रेंड्स ये इनका नाम है बताना है कि किस देश के ये प्राइम मिनिस्टर बने क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है कि आपको नाम दे देंगे और कंट्री पूछ लेंगे तो ये कुवैत के जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत एशिया कॉन्टिनेंट में है कैपिटल है इसकी कुवैत सिटी और करेंसी है कुवैती दिनार हु हैज़ बिकम द फिफ्टींथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका श्रीलंका के पंद्रवें जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है दिनेश गुड़वर्धने श्रीलंका एशिया कॉन्टिनेंट में है और इसकी कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धने पुरे कोटा श्री जयवर्धने पुरे कोटा और करेंसी है यहाँ की श्रीलंकन रूपी हु हैजम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक के जो नए मुख्य अर्थशास्त्री बनी है उनका नाम है इंद्रमीत गिल वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई जुलाई नाइनटीन फोर्टी फोर में हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी प्रेजिडेंट है डेविड मालपास और एम डी एस सी एफ ओ है अंशुला कांत हुजिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट राइट आंसर इज रॉबर्टा मेट्सूला ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की जो है नई अध्यक्ष बनी है हु इज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ साउथ कोरिया तो साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं यून सुक योल साउथ कोरिया जो है फ्रेंड्स एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है कैपिटल है इसकी सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और प्राइम मिनिस्टर का नाम है हान दक सू अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो फ्रेंड्स एफ के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है टी राजा कुमार एफ की बात करते हैं फ्रेंड्स इसके स्थापना हुई 1989 में हेडक्वार्टर है इसका पेरिस फ्रांस में और मेंबर कंट्रीज है इसकी 39। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ तुर्क तो तुर्कमेनिस्तान के नए प्रेजिडेंट बने हैं सरदार वर्दी मुहमदेव और फ्रेंड्स तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है उसका नाम है अश्क अशकबत और तुर्कमेनिस्तान मनत है यहाँ पे करेंसी नेक्स्ट है हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ हंगरी तो हंगरी देश के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है विक्टर ऑरबर्न हंगरी की बात करते हैं फ्रेंड्स ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है कैपिटल है इसकी बुडापेस्ट और करेंसी है हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनी है शहबाज शरीफ पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आंसर इज मोहम्मद बिन जायद अल नहाइन ये यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के जो है वो नए प्रेसिडेंट बनी हैं यूएई ये एशिया कॉन्टिनेंट में है कैपिटल है अबू धाबी करेंसी है यूएई दिरहम अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन इंडिया सो भारत में विश्व बैंक के जो नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है अगस्त्य तानो कौमी हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन नए वाइस प्रेजिडेंट कौन बनी है विश्वनाथन आनंद इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन ट्वेंटी फोर में हुई हेड क्वार्टर है इसका ल्यूसन स्विट्जरलैंड में और प्रेजिडेंट है आर्कडी डॉर्कोविच हुम द न्यू क्लाइमेट चीफ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस तो फ्रेंड्स बात करें संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बनी है तो उनका नाम है साइमन स्टील हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स बाय ब्रिटेन न्यू एम्पर किंग चार्ल्स थर्ड तो फ्रेंड्स यहाँ बताना है कि ब्रिटेन के जो नए सम्राटक किंग चार्ल्स थर्ड उन्होंने वेल्स के लिए जो नए प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में किसे नियुक्त किया है आंसर इज विलियम एंड कैथरीन एलिजाबेथ मिडिल्टन ज़ बिकम द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ़ एशिया पाम ऑयल अलायंस तो फ्रेंड्स एशिया पाम ऑल अलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं अतुल चतुर्वेदी एशिया पामॉल अलायंस की बात करें तो आगरा में एक ग्लोबल समिट हुआ था उसी के दौरान ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को ये लॉन्च हुआ था और इसके फाउंडर और मेंबर की बात करें तो टॉप एडिबल ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश नेपाल ने मिलकर जो है वो इसे शुरू किया हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी तो पाकिस्तानी सेना के जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम है असीम मुनीर। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ हंगरी हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है कैटलिन नोवाक हुज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू रिप्रजेंटेटिव ऑफ़ यूनिसेफ इन इंडिया आंसर इज सिंथिया मैकैफ्री यूएसए की हैं ये तो फ्रेंड्स ये यूनिसेफ की जो है नई रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसकी स्टेब्लाइशमेंट एलिथ ऑफ दिसंबर 1946 को हुई हेड क्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में और इसके प्रेजिडेंट है कैथरीन रसिल हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया आंसर इज़ मोहम्मद बिन सलमान ये सऊदी अरब के जो है नए प्रधानमंत्री बनी हैं सऊदी अरबिया जो है ये एशिया में लोकेटेड है इसकी कैपिटल है रियाद और करेंसी है सऊदी रियाल नेक्स्ट है सर्जियो मथ्रीला हैज़ बिन री इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री तो फिर से देखिए ये जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति बनी है और आंसर हो जाएगा कहाँ के तो आंसर इज इटली इटली यूरोप में लोकेटेड है कैपिटल है रोम करेंसी है यूरो अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ होंदोरस तो होंन्दुरस की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है शियोमारो कॉस्त्रो होंन्द्रस ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है कैपिटल है इसकी आपकी टेगो सिग्लिया और करेंसी है यहाँ पे लैम्पिरा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कुवैत कुवैत में जो इंडिया के नए अम्बेसडर बनी हैं उनका नाम है आदर्श स्वाइका। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेजिडेंट ऑफ चिली तो चिली देश के जो सबसे युवा राष्ट्रपति बनी है गैब्रियल बोरिक चिली की जो कै चिली चिली जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है और कैपिटल इसकी सेंटियागो और करेंसी है जो है यहाँ की करेंसी है एच ई एंटोनियो कोस्टा हैज़ बिन री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री तो एच ई एंटोनियो कोस्टा ये फिर से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए आंसर इज पोर्तुगल पोर्तुगल के कैपिटल है लिस्बन और करेंसी है यहाँ पे यूरो हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलीट्स कमीशन तो फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है कि आई जो एथलीट आयोग है इसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है एमा टेरहो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई 1894 को हेडक्वार्टर है इसका लुसन स्विट्जरलैंड में और चेयरमैन का नाम है थॉमस बज नेक्स्ट है जॉस रमोस होटा हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री तो ये किस देश के जो है नए राष्ट्रपति बने हैं आंसर इज ईस्ट तिमोर ईस्ट तिमोर जो कंट्री है फ्रेंड्स ये साउथ ईस्ट एशिया में कहीं लोकेटेड है कैपिटल है इसकी देरी और करेंसी है यहाँ पे यूएस डॉलर अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूएस एस एज अ न्यू एम्बेसडर इन चार्ज ऑफ इट्स एम्बेसी इन न्यू दिल्ली अमेरिका में नई दिल्ली में अपने दूतावास की जो नई प्रभारी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है एलिजाबेथ जॉन्स को हु हैज बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ एथलीट्स कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन तो फ्रेंड्स इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की जो एथलीट्स कमिटी है उसके नई प्रेजिडेंट कौन बनी है आंसर इज लवलीना बोरगोहे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई हेडक्वार्टर है इसका लूसन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल रबर स्टडीज ग्रुप तो इसके जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है के एन राघवन और इंटरनेशनल रबर जो रबर स्टडी जो ग्रुप है इसकी स्थापना हुई थी 1944 में हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में और सेक्रेटरी जनरल का नाम है सल्वाटोर पीनिजोटो फ्रेंक वॉल्टर हैज बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री किस देश के फिर से दिखे राष्ट्रपति बनी है आंसर हो जाएगा जर्मनी के फिर से अगेंस्ट यहाँ के प्रेजिडेंट बनी है फ्रेंक वॉल्टर स्टेनमियर जर्मनी जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है और जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन करेंसी है जर्मनी की फ्रेंड्स यूरो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मॉर्थन बोस्कोव हैज बिकम द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री आंसर इज डेनमार्क तो फ्रेंड्स ये डेनमार्क देश के जो है नए रक्षा मंत्री बनी है डेनमार्क की जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है कैपिटल है इसकी कॉपन हेगन और करेंसी है यहाँ पे डेनिश क्रोन प्राइम मिनिस्टर है मेट फेडरिकसन अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नताशा पर्क मुसर स्लोवेनिया यूरोप कॉन्टिनेंट में है कैपिटल है इसकी जुबुलजना और करेंसी है यहाँ पे यूरो

यू एस इंडिया बिजनेस काउंसिल बाय द चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है यू एस इंडिया बिजनेस काउंसिल का जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है तो उनका नाम है अतुल केशव हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ओपेक ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैतम अल घिस ओपेक की स्थापना हुई सितंबर 1960 में हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया और मेंबर कंट्रीज हैं इसकी थर्टीन हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी अपॉइंटेड एज एन एम्प्लॉय इन टेस्ला कंपनी तो टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के जो व्यक्ति बने हैं उनका नाम है अशोक अलू सामी फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है आ, टेस्ला की तो टेस्ला जो कंपनी है इसकी स्थापना फर्स्ट जुलाई 2003 को हुई हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में सीईओ है एलन मस्क हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट आंसर इज आयशा मलिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है हु हैज़ बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ़ कजाकिस्तान अगेन तो कजाकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति बनी है कासिम जो मार तो ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान के जो प्रेजिडेंट हैं उनका नाम है कासिम जो मार कजाकिस्तान एशिया कॉन्टिनेंट में है कैपिटल है अस्ताना और करेंसी है कजाकिस्तानी टिंगे। हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा माल्टा के प्रधानमंत्री कौन बनी है आंसर इज रॉबर्ट अबेला माल्टा जो कंट्री है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है कैपिटल है इसकी वेलेटा करेंसी है यूरो जॉर्ज वेला है यहाँ के प्रेसिडेंट हु हैज बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ए आई आई बी के जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है उनका नाम है रा, उनका नाम है फ्रेंड्स उर्जित पटेल और बात करें हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की तो स्थापना हुई 16 जनवरी 2016 हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में और प्रेसिडेंट है इसके जिन हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हैं हसन शेख महमूद सोमालिया जो है वो यूरोप अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे कंट्री है मोगादिशु यहाँ की है कैपिटल और सोमाली शिलिंग है यहाँ पे करेंसी हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी एडिडास तो एडिडास के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम क्या है बियॉन्ड गोल्टन एडिडास की स्थापना 1924 में हुई हेडक्वार्टर इसका एडिडास का है जर्मनी में हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन पोलिटिशियन टू होल्ड द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दिस यूएस स्टेट ऑफ मेरीलैंड तो सही आंसर हो जाएगा अरुणा मिलेर हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ द नीदरलैंड फॉर द फोर्थ टाइम तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने आंसर इज मार्क र्यूट नीदरलैंड जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में है कैपिटल ऑफ नीदरलैंड इज एम्स्टरडाम और करेंसी है यहाँ पे यूरो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश राइट आंसर इज प्रणय वर्मा बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका करेंसी है टका प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के अब्दुल हामिद हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनी है अली खान इसमाइलोब हुज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ निकारगुआ तो निकारगुआ के फ्रेंड्स नए राष्ट्रपति बनी है डेनियल ओर्टिका निकारगुआ की बात करें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है ये कंट्री कैपिटल है इसकी मानागुआ और यहाँ पे करेंसी जो है वो है निकारगुआ कोर्डोबा हु हैज़ बिकम द न्यू गुडविल अम्बेसडर ऑफ़ द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ की जो गुडविल अम्बेसडर बनी है वो है फ्रेंड्स योगांडा की वेनेसा नकाटे यूनिसेफ की स्थापना हुई इलेवेंथ ऑफ दिसम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स को हेडकोर्टर्स का जो है फ्रेंड्स वो है न्यूयॉर्क में और चीफ हैं कैथरीन रसेल नेक्स्ट है रोड्रिगो चार्प्स हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ दि कंट्री आंसर इज कोस्टारिका तो कोस्टारिका के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है रोड्रिको चाप्स कोस्टारिका की कैपिटल है सेंट जोस करेंसी है कोस्टारिका कोलोन हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ श्रीलंका श्रीलंका में जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है रानिल विक्रमा सिन्े हुज बिकम द न्यू वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीरू आंसर इज बेसी चावेस पेरू की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबदोस अगेन तो सही आंसर है मिया अमोर मोतले ये बारबदोस की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है बारबदोस की बात करते हैं फ्रेंड्स तो बारबदोस जो है वो नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है कैपिटल है इसकी ब्रिज टाउन करेंसी है बारबदोस टोलर और प्रेसिडेंट है यहाँ के डेम सेंड्रा मेसन हु हैज़ बिकम द फस्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ द यू एस सुप्रीम कोर्ट तो यू एस सुप्रीम कोर्ट की जो पहली वुमेन ब्लैक जज बनी उनका नाम है केतानसी ब्राउन जैक्सन हुज बिकम इंडिया न्यू शेरपा फॉर जी ट्वेंटी ऑर्गेनाइजेशन आंसर इज अमिताभ कांत जी ट्वेंटी यानी ग्रुप ऑफ ट्वेंटी तो इसकी स्टेब्लाइशमेंट ट्वेंटी सिक्स सेप्टेम्बर नाइनटीन नाइन्टी नाइन को हुई और इंडिया part of पार्ट ऑफ Who has become the new president of Asian Cricket Council? तो so, Asian Cricket Council के जो अध्यक्ष बने हैं friends, उनका नाम क्या है जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 19 सितंबर 1983 को हुई हेडक्वार्टर है कोलंबो श्रीलंका में Who has बिकम द न्यू सी ऑफ फेडक्स वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट एंड कमोडी ई कॉमर्स कंपनी तो कौन बनी है फेडिक्स के जो है नए सीईओ? तो आंसर इज राज राजब्रमण्यम फेडिक्स की स्थापना हुई फिफ्थ ऑफ मे 1971 और हेडक्वार्टर है इसका यूएसए में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैजिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन मैनेजमेंट काउंसिल कमेटी तो आई मैनेजमेंट काउंसिल कमेटी की वाइस चेयरमैन कौन बनी है आंसर इज अपराजिता शर्मा इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियंस की स्थापना हुई 17 मई 1865 और हेड क्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया सर्बिया के जो राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है अलेक्जेंडर वूसिक सर्बिया की लोकेशन जो है वो है यूरोप कॉन्टिनेंट कैपिटल है सर्बिया की बेलग्रेड करेंसी है सर्बियन दिनार और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के आ, एना बर्नेबिक बीन अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल एज द वर्ल्ड फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज तो मानव और जलवायु परिवर्तन के लिए जो दुनिया का पहला जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट किसे चुना गया डॉक्टर इयान फ्राई को यू की बात करें 15 मार्च 2006 को स्थापना हुई जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट राइट आंसर इज एल्वारो लारियो ये नए चेयरमैन बनी है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के इसके स्थापना हुई दिसंबर 1977 और हेड और हेडक्वार्टर है इसका रोम इटली में हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू भूटान भूटान में भारत के नए राजदूत बनी है सुधाकर दलीला भूटान की कैपिटल है थिम्पू करेंसी है नगुल ट्रम और प्राइम मिनिस्टर हैं लोते शेयरिंग हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया तो फ्रेंड्स भारत में बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ुर रहमान विच इंडियन औरिजन नेवी वेटरन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी एंड डिफेंस एडवाइजर टू यू एस वाइस प्रेजिडेंट कमला हैरिस सही आंसर हो जाएगा शांति शेट्टी हु हैज़ बिकम दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने आंसर इज पैट्रिक आची आइवरी कोस्ट ये साउथ जो वेस्ट अफ्रीका का साउदन कोस्ट है वहाँ पर लोकेटेड ए कंट्री करेंसी है, है यहाँ की यामा सुपिटल कर, uh, और करेंसी है अफ्रीकी फ्रैंक आइवरी कोस्ट के प्रेजिडेंट हैं अला सेन डरम उटारा हुज बिकम द न्यू जनरल मैनेजर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आंसर इज वसीम खान हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बनी है राइट आंसर इज रॉबर्ट गोलोब द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी हैज़ अपॉइंटेड विच इंडियन ओरिजिन मैन एज इट्स फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर तो इनका नाम है नंद मूल चंदानी। बात करें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की तो इसकी स्थापना हुई ट्वेंटी सिक्स ऑफ जुलाई 1947 फोर्टी सेवन हेडक्वार्टर है इसका लेंगली अमेरिका में और डायरेक्टर है विलियम जे पॉन्स। हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक एंड एल जी बी टी क्यू वुमेन प्रेस सेक्रेटरी ऑफ द वाइट हाउस अमेरिका आंसर इज कैरीन जीन प्यरे हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकॉन्ग हॉगकॉन्ग के नए मुख्य कार मुख्य कार्यकारी कौन बने आंसर इज जॉन ली हांगकॉन्ग एशिया कॉन्टिनेंट में है कैपिटल है इसकी हांगकॉन्ग करेंसी है हांगकॉन्ग डॉलर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ फिलिपिन्स फिलिपिन्स के नए राष्ट्रपति बनेंगे फर्दिनन मार्कोस जूनियर फिलिपिन्स ये एशिया कॉन्टिनेंट में है कैपिटल है मनीला और करेंसी है फिलिपिन पेसो सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने किसे अपना नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया सही आंसर है जेवियर ओलिव जेवियर ओलिवन को मेटा जैसे पहले फेसबुक के नाम से जानते थे देखिए इसकी स्थापना 2004 में हुई हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में सीईओ है इसके मार्क जोकरबर्ग हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ़ अल्बानिया आंसर इज बजरम बजराम बेगस ये अल्बानिया के नए प्रेजिडेंट बने अल्बानिया है यूरोप कॉन्टिनेंट में कैपिटल है इसकी तिराना करेंसी है अल्बानियन लेक और प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हैं एदी रामा हुम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एल्यूमिनियम तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है सतीश पाई इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है लंदन इंग्लैंड में अगला क्वेश्चन है विट विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक सही आंसर है हमारा कृष्ण श्रीनिवासन अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डिप्लोमेट फ्रॉम बांग्लादेश जिन्हें अपॉइंट किया गया अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो इनका नाम है फ्रेंड्स रबाब फातिमा अगला क्वेश्चन है हु बिकेम नॉर्थ कोरियाज फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर तो उत्तर कोरिया की जो पहली महिला विदेश मंत्री बनी है उनका नाम है चोई सोन हुई नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है फ्रेंड्स प्योंगयांग करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन और प्रेसिडेंट है किम जोंग उन हैज बिकम द फर्स्ट लेस्बियन वुमेन टू रीच द पोस्ट ऑफ गवर्नर इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका तो अमेरिका के इतिहास में गवर्नर पद तक पहुंचने वाली पहली लेस्बियन महिला बनी है मीरा हिली हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं हमसा अब्दी बैरे हुज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ कोलंबिया तो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं गुस्तावो पेत्रो कोलंबिया की कैपिटल है भुगोता करेंसी है पेसो हुम द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है लिसा स्टालिकर बात करें फेडरेशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की तो 1998 में इसकी स्थापना हुई अगला क्वेश्चन है हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं सही आंसर है मोहम्मद हसन जलूद फ्रेंड्स इंटरनेशनल वेटिंग वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना हुई 1905 में और इसका हेड क्वार्टर है बुडापेस्ट हंगरी तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हैं यहाँ पे हमारे हो गए सभी कंप्लीट टाइम आता है टेस्ट का तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ऑफर क्या है देखिए कि टेस्ट में क्या, आपका आंसर क्या करना है कॉमेंट सेक्शन में और जो लकी टेन विनर्स होंगे उनको जीके की जो इंग्लिश के ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्वेश्चन की बुक है वो फ्री में दी जाएगी तो आप सभी टेस्ट के क्वेश्चन को ज़रूर अटेंड करें पहला क्वेश्चन है देखिए हमारा हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ इसराइल तो ऑप्शनस भी आपके सामने हैं अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो फ्रेंड्स किसे जो है वो अपॉइंट किया गया है तो फ्रेंड्स इन सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो